गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का डे बहुत ज़्यादा बिजी है। आज हम लोगों को लखनऊ के लिए निकलना है, तो बहुत सारा काम है। अभी बहुत सारी पैकिंग बाकी है। ये देखिए, सारे बैग, सारे कपड़े सब यूं ही पड़े हैं। अभी सारी सब पैकिंग करनी है, और सारे बैग्स वगैरह जो भी सब हैं, सामान सारा, वो सब गाड़ियों से जाएगा लखनऊ, और हम लोग ट्रेन से जाएंगे। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अभी मुझे लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। तो नाइट में हम लोग को निकलना है, इसलिए मैंने सोचा सारा काम आज मॉर्निंग में ही पूरा फिनिश कर देते हैं, उसके बाद पैकिंग भी करनी है। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्जी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनती है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ये सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, ये मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे ढेर सारा काम है। और फाइनली हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के साथ शादी में जा रहे हैं, तो सारे लोग हमें स्टेशन पर ही मिलेंगे। और हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो फाइनली हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। और यहां से हम लोगों ने ऑटो कर लिए हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे शादी वाले वेन्यू पर, जहां से शायद सारे फंक्शन है, और ये लखनऊ का नज़ारा देखते हुए हम जा रहे हैं। पहुंचते ही मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग 5 दिन के लिए स्टे करने वाले हैं। शादी, इंगेजमेंट, ये सारे फंक्शंस दूसरी जगह से होंगे। यहाँ पर हम लोग इंगेजमेंट के सामान की पैकिंग कर रहे हैं। इसमें लड़के वालों के घर कुछ कपड़े जाते हैं, लड़के के कपड़े होते हैं जो वो शादी में पहनता है, तो वो सारा सामान पैक किया जा रहा है। और बच्चे बैठे टीवी देख रहे हैं। जब बच्चे बिजी होते हैं तभी हम काम कर पाते हैं। इंगेजमेंट के सारे सामान की पैकिंग हो चुकी है, और ये इंगेजमेंट ट्रे है जो मैंने DIY के थ्रू बनाई है। और सारे कपड़े पैक हो चुके हैं जो लड़के वालों के आ जाने हैं, लड़के के कपड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सारा सामान वहाँ जाता है वो सारा सब कुछ पैक हो चुका है। सब कुछ रेडी है, और बस अब हम लोगों को रेडी होकर पहुंचना है वेन्यू पर जहां से इंगेजमेंट है। तो बस रेडी होकर वहां पहुंचते हैं, और अभी ये मेरे हस्बैंड यहां सोए हुए हैं, तो बस इनको भी उठाते हैं और रेडी होकर पहुंचते हैं इंगेजमेंट में। तो फिर चलिए चलते हैं।
यहाँ गोद भराई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। एंगेजमेंट हो या शादी, बिना दूल्हे दुल्हन के डांस के तो ये अधूरी है। मुझे 11 फरवरी है, तुझे याद है इस तारीख को क्या हुआ था? इनके साथ दो ठुमके हम लोग भी लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में हल्दी के फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।